नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का जो है प्रश्न संख्या 5 का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। और प्रश्न संख्या 5 में क से आता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए। क में आता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए। और ख में आता है किसी एक कवि के जीवन परिचय लिखने के लिए। तीन कवियों का नाम दिया रहता है इसमें ख में। प्रश्न संख्या 5, हिंदी के प्रश्न संख्या 5 ख में जो है तीन लोगों का जो है तीन कवियों का जो है नाम दिया रहता है, जिसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने जो है तीन लोगों का जो है गेस किया है, तीन कवियों का जो है। आप लोग कम से कम जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास और रसखान। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर जो है आपके जो है क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास, ये जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास का। और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में जो है इसको लिखा गया है। ठीक है, और काफ़ी जो है शॉर्टकट करके लिखा गया है, ताकि जो है आप लोगों को जो है, देखिए शॉर्टकट लिखिए चाहे फुल कट लिखिए, ठीक है ना, जो है नंबर उतना ही मिलेगा जितना सबको दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को बस जीवन परिचय लिखा होना चाहिए, पूरा नाम, गांव और पता, कहाँ जिए कहाँ मरे, ठीक है ना, ये जो है सही होना चाहिए। किसने इनका पालन पोषण किया, क्या किए, ठीक है, क्या लिखे, रचना एक जरूर, हेडिंग रचना का जो है जरूर डालिएगा। ठीक है ना, हेडिंग जरूर होना चाहिए कि जीवन परिचय जो है, हेडिंग एक होना चाहिए। और एक जो है रचना पूछ देता है, किसी एक रचना के नाम लिखिए, तो रचना का हेडिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग पे ही जो है आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है देखिए, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में जो है और बहुत ही अच्छे तरीक़े से जो है समझाया गया है। ठीक है, तो हम जो है पढ़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है ना भाई, ऐसे ही आप लोग याद कीजिएगा कि जन्म कहाँ हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, ये कहाँ रहते थे, ठीक, और इनका जो है विवाह किससे हुआ, बस यही कहानी है इनकी, इतना याद होना चाहिए। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था, होलसी था। ठीक है, माता का नाम होलसी था। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम पड़ते थे, क्योंकि जो है जन्म के समय ही इनके मुंह में जो है क्या था, दांत मौजूद थे, इनके इनके मुंह में जो है दांत भी मौजूद थे, जन्म के समय ही जो है क्या थे, इनके मुंह में दांत निकल चुके थे। इसलिए इन्हें नक्षत्र समझकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। मतलब नक्षत्र समझने का मतलब है क्या, कि इनका जो है ऐसे मतलब लगता था कि ये अशुभ है, जैसे कि दांत जमा हुआ था, तो नक्षत्र का मतलब किसी कोई नक्षत्र कोई ग्रह लग गया है। ठीक है ना, इसलिए जो है इनको जो है अशुभ समझते थे, इनका जन्म के संबंध में, उन्हें जन्म के समय इनको जो अशुद्ध अशुभ समझते थे। ठीक है ना, इसी को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, समझते थे इनके, तो इन्हें नक्षत्र समझकर और इनके माता पिता ने जो है क्या किया, इनका त्याग कर दिया। ठीक, और त्याग कर दिया तो फिर जो है क्या किया भाई, इनका जो है पालन पोषण जो है बाबा नर हरिदास ने किया, त्याग कर दिया, यानी कि कहीं जो है शायद इनको जो है दहा दिया गया था। ठीक है ना, तो जो है इन नर हरिदास ने जो है इनको पाया। ठीक है, तो नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया, इन्हीं की कृपा से, यानी कि नर हरिदास की कृपा से इनको इनको जो है शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद काशी चले आए, यहाँ विद्वानों महात्माओं ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का ज्ञान दिया। ठीक है, यहाँ दीन बंधु पाठक की सुंदरी कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया। ठीक है, यहाँ दीन बंधु पाठक की सुंदरी कन्या रत्नावली से इनका विवाह कर दिया गया। ठीक है, इनका विवाह हो गया रत्नावली से। तुलसीदास जी को अपने पत्नी से अधिक प्रेम था। ठीक है भाई, वो जो है काफ़ी सुंदर थी, तो मैंने ऐसा बताया गया है।
तो पत्नी से जो अधिक प्रेम था, इसलिए एक बार पत्नी को बिना बताए आधी रात में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल पहुँचे। ठीक है, मैंने रात में ही जो है ये जो है चल दिए, आधी तूफान आ रहा था और उसी में जो है अपने पत्नी से मिलने चल दिए। ठीक है, इन पर पत्नी ने इन्हें बहुत फटकारा, ठीक है ना, जिससे कि उनके मन में वैराग्य हो गया। अब भाई आधे तूफान में कोई जाएगा तो क्लियर है कि जो उसको जो है पत्नी बोलेगी बोलेगी डांटेगी फटकारेगी, इस समय आना चाहिए हैं जो है, इसी समय आने का जो मौका मिला आपको। ठीक है, तो ऐसे कुछ डटकारी डांटी होगी फटकारी होगी। ठीक है, इस पर पत्नी ने उन्हें बहुत फटकारी जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य का मतलब त्याग, के दुनिया बेकार है यार, सब कोई अपना नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही इनके मन में विचार उत्पन्न हुआ। ठीक, और घर बार छोड़कर और घर से निकल गए, और जो है जिसका जो है प्रभाव यह हुआ कि ये घर बार छोड़ दिए और जो है घर से निकल गए, और उनके तीर्थ स्थल और अनेक जो है तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए, राम के पवित्र चरित्र का जो है गायन करते हुए, पवित्र चरित्र चरित्र का गायन करते हुए काशी के आसी घाट पर सन 1623 ईस्वी को इनका जो है क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि है। ठीक है, तो रचना आप लोग जरूर लिखिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका आदि हैं। ठीक है, इतना लिख देते हैं तो आप लोगों को फुल नंबर यानी कि तिल नंबर मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यदि आप लोगों को जो है सूरदास और रस खान का भी जीवन परिचय चाहिए तो आप लोग कमेंट में अब बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।